पापू जी हमको सरप्राइज देना चाहते हैं, हम सबको सरप्राइज, बोल रहे थे कि नया साल है तो सबको आइसक्रीम खिलाएंगे, तो वो सबके लिए आइसक्रीम लेने गए हैं, तो अकेला आदमी इतने सब लोगों के लिए आइसक्रीम कैसे ला पाएंगे, तो हम लोग मदद करने के लिए जा रहे हैं ना जेठालाल। मेरी जीप है और जीप में मेरे पापू जी। चाचा जी तो रुक ही नहीं रहे, निकल गए तो। अरे भाई ऐसे दौड़ दौड़ के तो हम चाचा जी को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अरे रिक्शा विक्शा देखते हैं। टैक्सी बंद करने का टाइम हो गया, मेरे को जाना है, मैं लेट हो रहा है, मैं जा। अरे ऐसा मत बोलिए भाई साहब, मेरे बापू जी जीप चला रहे हैं। तो अरे वो सब मैं आपको रास्ते में समझाता हूँ, बहुत लंबी कहानी है, प्लीज प्लीज भाई साहब आप उतरिए, चाहिए तो मैं आपको दुगना तिगुना भाड़ा दे दूंगा, प्लीज। आप कितना भी भाड़ा दे दो मैं नहीं आऊंगा, मुझे लेट हो रहा है। अरे अरे भाई साहब, अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे, मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, अगर अभी नहीं आओगे तो कल तुम्हारे बारे में मेरे अखबार में छाप दूंगा। अच्छा छापो छापो, जरूर छापो, और साथ में मेरी फोटो भी छापना ताकि मैं फेमस हो जाऊँ। देखिए भाई साहब प्लीज चलिए, क्या है हमारे चाचा जी शराब पीकर जीप चला रहे हैं। अरे क्या कुछ भी बोल रहे यार भाई, शराब पी के नहीं, मतलब बापू जी ने शराब पी है लेकिन गलती से पी है, वो भी पहली बार। देखिए उनको अगर कुछ हो गया तो जिंदगी भर में अपने आप को और आपको माफ नहीं करूंगा। अच्छा वो ठीक है, पर दरअसल भाई साहब बात ये है कि आज मैंने ना वाइफ के साथ में 31st मनाने जाना है, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। यार एक काम कर, गड्डी मैनू दे दे, मैं चला लूंगा, तू अपनी फैमिली के साथ जाके 31 दिसंबर फर्स्ट क्लास मना। वो ऐसे कैसे देता, मैं आप लोगों किसी को जानता नहीं, ऐसे कैसे टैक्सी दे दूं मैं। वो कमाल कर रहे यार, एक सरदारजी हो गए, सरदारजी से पहचान पूछ रहा, वो वैसे केड़ा पिंड अंबरसर। ओ तेरी, ओ मैं भी अंबरसर यार, कमाल। अंबरसर किथे? गोलहट्टी। ओ मैं गोलहट्टी दे नाल रामबाग पुटोली। रामबाग? ओ रामबाग तो मेरी बंतो मौसी रहती है। ओ बंतो मौसी, ओ जिन्हां दा नाम जोगिंदर कौर है, उन्हां दे दो बेटे ने महेंद्र पाल सिंह और अमरजीत सिंह होई। हां जी हां जी हां जी। ओ तेरी यार कमाल कर दित्ता, अजी ते कट्टे स्कूल ही पढ़े हो। ओ जी ठीक है जी, गड्डी तुहाडी तुसी लै जाओ, कोई नहीं संभाल के लै जाओ बस। अरे मान लो थैंक यू यार, थैंक यू। ओ यार तेरा नंबर दे दे मैनू, MH02। ओ ए नंबर नहीं, ओ तेरा मोबाइल नंबर यार, 9820। ठीक है वीरे, और मैं तेनू फोन कर दांगा और फोन करके फिर गड्डी पहुंचा दांगा। ओ ठीक है सर, चंगा भाई, सासी थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। चलो कर चलो कर चलो कर। हां पता नहीं कौन सी घड़ी हम लोगों ने सार्टी वाली पार्टी करने का लक्की किया। पीछे 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 पी
जेठालाल चाचा जी को जीप चलानी आती है? चला तो रहे हैं। अरे चला रहे वो तो मुझे भी नजर आ रहा है यार भाई, लेकिन पहले कभी चलाते हुए देखा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, उनको जीप, टेम्पो, ट्रक, ट्रैक्टर सब चलाना आता है, गाँव में सब चलाते थे। बापू जी कहाँ गए? चाचा जी तो आगे निकल गए। अरे तू क्यों स्लो चला रहा है भाई, भगा? ओ जेठा अपना बहुत भगा रहा हूँ, पर ये गड्डी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही है। ओ मैंने लगता है उसने शायद स्पीड कैप लगा रखा है। अरे इसका फोन है भाई। बबीता जी का फोन? हाँ बोलिए बबीता जी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। वो एक्चुअली अय्यर का फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपको फोन कर लूं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। पार्टी कैसे चल रही है आप लोगों की? पार्टी तो बहुत एकदम मजेदार जबरदस्त चल रही है, बस आपको सब लोग मिस कर रहे हैं। बट म्यूजिक की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट, बबीता जी का फोन बोल रही है, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम है तो ऑन करना। कार में कार टेबल में था साहब, तेरे नहीं है तो कहां से ऑन करूं यार। हेलो, मैं कह रहा हूं बाहर आया था ना, अभी आ रही आवाज म्यूजिक की। हां हां, बहुत आवाज आ रही है, लगता है आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है बबीता जी। हेलो हेलो, मैं बाद में अय्यर भाई को बोलता हूँ आपको फोन करने के लिए, ठीक है? ओके बाय बाय, थैंक यू। ओके बबीता जी, हेलो हेलो हेलो, रख दिया लगता। हो गया, रख दिया रख। अरे भाई, एक गुब्बारा कितने कर लिया? 25 रुपए का एक। बस 25 रुपए का एक, ठीक है सब ले लो। हाँ ला। पैसे? और पीछे टैक्सी में मेरा बेटा बबलू आ रहा है, वो पैसे देगा। अरे क्या भाई, बीच में क्यों आ रहे हो? अरे अभी जीप में जो चाचा जी गए ना, उन्होंने मेरे सारे फुग्गे उड़ा दिए, और जब पैसे मांगे तो कहा कि पीछे गाड़ी में मेरा बेटा बबलू आ रहा है, वो पैसे देगा। आप में से बबलू भाई कौन है? ये बबलू भाई। कितना हुआ? 1000। 1000 रुपए? हाँ, 40 फुग्गे थे, 25 रुपए का एक, 1000 हो गए ना। एक मिनट जेठालाल, पैसे मत देना। 25 रुपए का एक गुब्बारा? अरे क्या भरा क्या गुब्बारे में? अरे भाई जो भी भरा हो छोड़ना है अभी, बापू जी के ऊपर ऐसे हजारों गुब्बारे कुर्बान है भाई। ये ले भाई, ये ले। चल चल चल, हैप्पी न्यू बबलू भाई। चल भाई, हैप्पी न्यू ईयर। हमें जनरल आप फोन मत उठाना। अरे लेकिन बबीता जी का फोन नहीं है, दया का फोन है। क्या उठा? उसने कुछ मुझे उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया, तो क्या जवाब दूंगा? तो फिर मत उठा। आपने बोल दिया मत उठाओ, बाप ने मुझे पूछा कि फोन क्यों नहीं उठाया, तो क्या जवाब दूंगा? तो उठा। तो वही तो कर रहा था। शांति रखो ना। हाँ बोल दया। टोपू के पापा, आपने आइसक्रीम ले ली? हाँ बस ले रहे। अच्छा तो सुनिए, हम महिला मंडल है ना, उनके लिए आप राजभोग और केसर पिस्ता वाला आइसक्रीम लेना, और टोपू से ठीक है। ओके चल। अच्छा सुनिए ना, आप कितनी देर में आएंगे? बापूजी के मिलते हैं भाई। क्या? बापूजी के पसंद की आइसक्रीम मिलते ही आ रहा हूँ मैं जल्दी। वैसे बापूजी को चीकू आइसक्रीम बहुत पसंद है, वही लाना। हाँ ठीक है। और जल्दी आना, मेरे सफेद बर्फ के गोले। सफेद बर्फ के गोले? माँ ने आपका नया नाम रखा है। फोन रखा भी? बस बच गया, उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं पूछा। अरे लेकिन जेठालाल, दया भाभी का फिर से फोन आ सकता है। तुम्हें काम करो, अपना फोन स्विच ऑफ कर दो।
मैं तो कहता हूँ सब अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दो। अरे क्या पोपटलाल, एक साथ सबके वो स्विच ऑफ करेंगे तो उनको शक हो जाएगा, सब हमें ढूंढने के लिए निकल जाएंगे बाहर। फिर चिंता हो सकती है, उन लोगों को चिंता हो सकती है। ये काम करते फोन को चालू रखते और चाचा जी को ढूंढते। बाबू जी कहीं नहीं नजर नहीं आ रहे। अरे भाई साहब, आपने एक लाल टोपी वाले चाचा जी को जीप चलाते यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ, अभी एक जीप किशोर गई। यार ये तो बहुत सुनसान रास्ता है, चाचा जी इतने कितने चले गए? अरे बाप रे, वो बेचारे होश में नहीं है ना, दिशाहीन हो गए, कहीं भी गाड़ी चला रहे। सुनसान रास्ता है जेठा लाल, अब गाड़ी गई कहाँ? बापू जी कहाँ गए? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हे भगवान, बापू जी को बचा लेना, उनको कुछ होने मत देना प्लीज। चाचा जी किस रास्ते पे निकल पड़े भाई? ये क्या, ये तो डेड एंड आ गया। हाँ आगे तो रास्ता ही बंद है। पर चाचा जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जीप भी कहीं नजर नहीं आ रही है। सुनिए चाचा जी, चाचा जी है कहीं? बापू जी कहाँ चले गए? चाचा जी, हे भगवान, अब बापू जी को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए, तो मैं नंगे पांव चल के आपके मंदिर तक आऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा। अरे खड़े क्यों सब लोग नाचो, नया साल आने वाला है 3015। बापू जी रुको, चाचा जी रुकिए, बापू जी क्या नाम है तेरा? रम, रम। रम पीकर बाइक चलाता है? तुझे पता नहीं शराब पीकर बाइक चलाना अपराध है? नहीं, मैंने बोला मेरा नाम रावण है। सुरवे केस बनाओ, सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाना, हमारे महान देश को ऐसे जाहिल लोग ही गंदा करते हैं। अरे क्या रे, ये जानते हो मैं कौन? इंस्पेक्टर। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे ना तभी। तेरा हेलमेट किधर है? सब वो घर पे भूल गया था, वो लेने जा रहा हूँ। सुरवे दूसरा केस बनाओ, बिना हेलमेट की ड्राइविंग। अरे अब बोलो क्या पिया है? सब कुछ भी तो नहीं, वो दवा। ओ, अभी दवा का दवा और दारू का दारू हो जाएगा। सुरवे। यस सर। सावन मशीन दे। ए, उकमार। उकमार तो है कि... सर बहुत पिया है। सुरवे तीसरा केस बनाओ। अरे ड्रिंक एंड ड्राइव का, ले जाओ इसे अंदर। एक मिनट साहब, मैं यहाँ का नेताजी का राइट हैंड हूँ। अच्छा, अभी आपकी उनसे बात करवाता हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए। ना मैं शराब पीने वाले से बात करता हूँ, ना उनके मालिक से, और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से मुझे सख्त नफरत है। आज अगर मेरे बाबूजी भी शराब पीकर गाड़ी चलाते तो उनको भी अंदर कर देता, भले जेल से छूटने के बाद मुझे 2-4 डंडे मारते। ले जाओ इसको। ए, चले चल, चले बाइक के रे, चल चल जल्दी चल। साहब छोड़ दो ना। अरे चल चल इसके बीच, चल 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 बैठ ना, ये बात मत कर। चाचा जी ले छोड़ी ले। हां ले रहा हूं, ले रहा हूं, ले रहा हूं। अरे आगे तो पुलिस की नाकाबंदी है।
जी उधर ही जा रहे हैं। बाप रे, अरे बापू जी शराब पी के जीप चला रहे, पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं, बिना मतलब हमारी वजह से बापू जी को जेल हो जाएगी। जेठालाल जेठालाल बिल्कुल चिंता मत करो, रो मत, हम सब साथ हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्रकार पोपटलाल आप लोगों के साथ है, मैं सिचुएशन संभालूंगा। बचा लो भगवान, बाबूजी को बचा लो, बाबूजी रुक जाओ, रुक जाओ बाबूजी। अरे आलू पांडे। चाचा जी आलू पांडे ने इंस्पेक्टर चालू पांडे बोलिए। ओके आप जीप में क्या और आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी है? क्या नहीं पहने? अरे वो बेल्ट होता है ना, सीट बेल्ट, वो बेल्ट। अरे इतना बड़ा बेल्ट तो पहने, वो भी सुनहरी, देखो। चाचा जी पैंट का बेल्ट नहीं, सीट का बेल्ट। आपने सीट का बेल्ट क्यों नहीं पहना? सीट का बेल्ट मैं क्यों पहनू? मैं और किसी का बेल्ट नहीं पहनता। चाचा जी अब आप नीचे उतरिए। एक बुजुर्ग आदमी को नीचे उतरेगा? चाचा जी अब इस हालत में आप यहाँ नहीं बैठ सकते, उस बड़ी गाड़ी में बैठेंगे आप। मेरे को बड़ी गाड़ी में नहीं बैठना है। थैंक यू बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। चाचा जी आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? तीरिंग, तीरिंग, तीरिंग। सुरवे, हाँ सर। चाचा जी ने बहुत पी रखी है, न जुबान पर कंट्रोल है न दिमाग पर। गा रहे हैं बच्चन साहब का गाना और डांस कर रहे हैं ऋतिक रोशन का। बराबर सर, इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। चाचा जी आपको हमको लॉकअप में डालना पड़ेगा। क्यों पूछ रहे हैं? क्यों हद हो गई? चलो जी पांडे जी। ए बबलू आ गया मेरा बबलू। बबलू, अरे बबलू, बबलू आ गया। आओ जेठालाल आओ। ये तुम्हारे पिताजी है ना? जी। इन्होंने बहुत शराब पी रखी है। किसने पी है? चाचा जी कौन है वो शराब पी? ए भाई तुम्हारे घर में माँ बाप भाई बहन चाचा चाची को नहीं है? सब है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं घर पे। ए? फिर भी पीते हो? अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? तुमने अपने परिवार के साथ धोखा किया है। आलू पांडे गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार तो आपको करना पड़ेगा चाचा जी। नहीं नहीं चलो जी, पांडे जी प्लीज बापू जी को गिरफ्तार मत कीजिए प्लीज। लीजिए जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। चंपक चाचा इंस्पेक्टर चालू पांडे की गिरफ्त में, और गिरफ्त में क्यों ना हो, ड्रिंक एंड ड्राइव यानी कि नशा करके गाड़ी चलाना बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध। इस देश में ज्यादातर दुर्घटनाएं, ज्यादातर एक्सीडेंट्स इस वजह से होते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव। और यकीन मानिए हम लोग इसके बहुत बड़े विरोधी हैं। और आज भी याद रखिए कि आपकी एक गलती एक किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है, और एक हादसा आपके पूरे परिवार को बिखेर सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन इस वक्त यहाँ चंपक चाचा इंस्पेक्टर चालू पांडे की गिरफ्त में है, और जेठालाल को ठंड के मौसम में भी पसीने छूट गए, हम सबके होश उड़े हुए। जो बात हम अपनी पत्नियों से छिपाना चाहते थे कल कहीं वो अखबार में न छप, नए साल की शुरुआत कहीं पुलिस चौकी में न हो। भाई बहुत टेंशन है, और इस वक्त सबसे बड़ा टेंशन यह है कि हम चंपक चाचा को किस तरह से छुड़वाएं, पुलिस से किस तरह से उन्हें बचाएं या हम भी बचें। लेकिन इतना जरूर तय है कि टेंशन जितना भी ज्यादा होगा हंसी उतनी ही ज्यादा होगी आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। सुन रहे खड़े क्यों, डालो चाचा जी को अंदर। मुझे पकड़ सकते तो पकड़ लो। अरे